हेलो दोस्तों, आज आप जान रहे हैं कि 12वीं का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, यानी कि शुरू हो गया है। तो आज हम बताने जा रहे हैं हिंदी के जूठन चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव्स, जो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। जूठन की रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी है उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी है बालकृष्ण भट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप भी कमेंट में बता सकते हैं अगर जान रहे हैं तो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? जैसा कि आपने अभी पढ़ा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है यहाँ पूछ रहा है? तो यह हो जाएगा जूठन। इसमें ऑप्शन क्या क्या है सारा देख लेते हैं पहले। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उसमें उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी जूठन, ऑप्शन नंबर सी प्रगति और समाज, ऑप्शन नंबर डी रोज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूठन। चलिए प्रश्न संख्या तीन। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी है परिवेश सम्मान, ऑप्शन नंबर सी है जयश्री सम्मान, ऑप्शन नंबर डी है कथाकर्म सम्मान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। चलिए प्रश्न संख्या चार देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? कौन सा पुरस्कार नहीं मिला, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए परिवेश सम्मान, ऑप्शन नंबर बी जयश्री सम्मान, ऑप्शन नंबर सी परिवेश सम्मान, ऑप्शन नंबर सी डी भारत रत्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत रत्न नहीं मिला। चलिए प्रश्न संख्या पाँच देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? प्रश्न है पाँच। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? तो इसका ऑप्शन है समाजवादी आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है दलित आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दलित आंदोलन। चलिए प्रश्न संख्या छह देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बरला, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है कानपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है बनारस उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। हेडमास्टर कालीराम ने किस मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? हेडमास्टर कालीराम ने किस मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ओम भारत को ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी को नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहा था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, हेडमास्टर। ऑप्शन नंबर बी, मित्र। ऑप्शन नंबर सी, पिताजी। ऑप्शन नंबर डी, माँ। तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए पहले, अगर आप भी आंसर जानते होंगे तो कमेंट में बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पिताजी। प्रश्न संख्या 9, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाई ने। ऑप्शन नंबर बी, पिताजी ने। ऑप्शन नंबर सी, माँ ने। ऑप्शन नंबर डी, भाभी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिताजी ने। प्रश्न संख्या 10, जब लोदक बच्चा था, शादी विवाह के मौकों पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? तो ऑप्शन नंबर ए है स्वादिष्ट पकवान, ऑप्शन नंबर बी है साधारण भोजन, ऑप्शन नंबर सी है मिठाइयाँ, ऑप्शन नंबर डी है जूठन। तो इसका आंसर हो जाएगा, जानते ही हैं, जूठन, क्योंकि ये इस कहानी का शीर्षक ही है जूठन। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जूठन। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 11, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना वाल्मीकि की नहीं है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सदियों का संताप। ऑप्शन नंबर बी है अब और नहीं। ऑप्शन नंबर सी है प्रेक्षित चित। ऑप्शन नंबर डी है सलमा सलाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रेषित। ऑप्शन नंबर, प्रश्न संख्या 12, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुतन ब्रह्मचारी। ऑप्शन नंबर बी, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी, सुखमय जीवन। ऑप्शन नंबर डी, नील कुसुम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
दलित साहित्य और सौंदर्य शास्त्र। चलिए ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, या किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी सुखदेव सिंह, ऑप्शन नंबर सी जसबीर, ऑप्शन नंबर डी इन इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरेंद्र सिंह। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनका घर के सफाई का काम किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लेखक ने, ऑप्शन नंबर बी लेखक के पिता ने, ऑप्शन नंबर सी लेखक की माँ ने, ऑप्शन नंबर डी लेखक के भाई ने। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी लेखक की माँ ने, लेखक की माँ ने। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चरवाहियां ढोकर एकत्रित किया था? चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लेखक के पिता ने, ऑप्शन नंबर बी लेखक के भाई ने, ऑप्शन नंबर सी लेखक ने, ऑप्शन नंबर डी इन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेखक के पिता ने। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। जूठन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए लेखा चित्र, ऑप्शन नंबर बी शब्द चित्र, ऑप्शन नंबर सी कहानी, ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहानी। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सुखदेव सिंह त्यागी, ऑप्शन नंबर बी रामदेव त्यागी, ऑप्शन नंबर सी गणपति त्यागी, ऑप्शन नंबर डी हरे राम त्यागी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुखदेव सिंह त्यागी। प्रश्न संख्या 18, कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं, या किस का कथन है? लेखक की माँ का, ऑप्शन नंबर ए लेखक की माँ का, ऑप्शन नंबर बी लेखक के चाचा का, ऑप्शन नंबर सी लेखक के पिताजी का, ऑप्शन नंबर डी लेखक की बड़ी भाभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेखक के पिताजी का। प्रश्न संख्या 19, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो इस ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि राम, ऑप्शन नंबर बी काली राम, ऑप्शन नंबर सी दीनू राम, ऑप्शन नंबर डी धीनू धी नी राम धनी राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काली राम।
लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 जून 1950 को, ऑप्शन नंबर बी 13 मई 1949 को, ऑप्शन नंबर सी 18 अगस्त 1948 को, ऑप्शन नंबर डी 25 मई 1942 को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 जून 1950 को। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। सलमा कहानी संग्रह संग्रह के कहानीकार हैं। ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी कृष्ण कृष्ण कृष्णा सोबती, ऑप्शन नंबर डी कमलेश्वर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए मुक्तबोध, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नरेंद्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए प्रश्न संख्या 23। जूठन क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कहानी, ऑप्शन नंबर बी है उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी है, जैसे कि आपने ये क्वेश्चन ऊपर भी देखा होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कहानी। ये क्वेश्चन नहीं, कहानी नहीं होगा, ऊपर पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आत्मकथा होगा। इसका आंसर हो जाएगा आत्मकथा, क्योंकि लेखक अपनी आत्मकथा को लिखा है। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। जूठन में चित्रण हुआ है, जूठन में चित्रण हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक विडम्बना का, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक विषमता का, ऑप्शन नंबर सी ऐतिहासिक चेतना का, ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक परिवेश का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक विशेष विषमता का। चलिए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मदेव तगा के घर, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मदेव तगा के घर। प्रश्न संख्या 26। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेघदूत, ऑप्शन नंबर बी रंगशाला, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद मंच, ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेघदूत। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी बिहार में, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा में, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में।
चलिए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र की रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी सुदर्शन, ऑप्शन नंबर सी जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। जूठन किस चेतना की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक चेतना की, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक चेतना की, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक चेतना की, ऑप्शन नंबर डी दलित चेतना की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजनीतिक चेतना की। चलिए प्रश्न संख्या 30। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? प्रश्न ऑप्शन नंबर ए कहानी, ऑप्शन नंबर बी उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी कविता, ऑप्शन नंबर डी निबंध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उपन्यास। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और सारे चैप्टरों की वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।